अरे यार पिसा हुआ तो मना कौन करे यार, तू भी समझे, खाना तू कुछ भी खा लीजिए यार, है 10 मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए मैंने जहाँ तक है वीके ऑनलाइन पेपर यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह की सीरीज चला रखी थी। आप क्या पता इस वीडियो को उस चैनल पे देखो या फिर वीके ऑनलाइन क्लासेस पे देखो, कंप्लीट आपको जितने भी पेपर है उसके मैं मॉडल पेपर अपलोड कर रहा हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में वही आते हैं। अब जैसे कि आप 2024 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, अब आप कहीं से भी हो, जयपुर से कहीं से भी हो या फिर दौसा से कहीं से भी हो, सभी की एक ही डिमांड रहती है कि मॉडल पेपर कहीं से मिल जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्प हो जाए। तो कोई ना, इसको मैं मिटाता हूँ। ये तो एक क्लास अपलोड की थी अभी फर्स्ट ईयर की, क्योंकि क्लासेज चलती है चैनल पर, तो क्लासेज अपलोड की थी एक आई नोटर मेटा के बारे में। तो आपने सेकंड ईयर में फाइला में कार्बन मेटा पढ़ा होगा, तो उसकी क्लास थी। थर्ड ईयर की भी क्लास वगैरह मैं कंप्लीट अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें जूलॉजी बॉटनी कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जूलॉजी में पर्टिकुलर पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैंने कंप्लीट अपलोड कर दिया। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वीडियो किस किस स्टूडेंट के लिए होने वाला है और क्या मैं बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको बताया जूलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, जो फर्स्ट पेपर है अपना कोर डेटा वाला, उसका कोर डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ तक है, उसके अंदर कोर डेटा वगैरह ही है फर्स्ट पेपर के अंदर, जिसमें अपने एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट मधुमक्खी पालन वगैरह सब कुछ आता है। मेरे हिसाब से कोर डेटा पेपर है, या फिर नहीं, थर्ड पेपर के बारे में देखेंगे, फर्स्ट पेपर के बारे में नहीं, क्योंकि थर्ड पेपर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्मी कल्चर वगैरह, कोर डेटा वो नहीं देखेंगे। हाँ पहले पेपर के अंदर जहाँ तक है कोर डेटा ही है, फर्स्ट पेपर के अंदर कोर डेटा है, फर्स्ट पेपर के अंदर क्या है, कोर डेटा है, लेकिन अपन फर्स्ट पेपर के नहीं देखने वाले, फर्स्ट पेपर के किसी और वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में देखने वाले हैं एक तरीके से फर्स्ट पेपर को, कोर डेटा को मिस करते हैं, थर्ड पेपर के बारे में देखेंगे। जो थर्ड पेपर है जूलॉजी का, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो वर्मी कल्चर, मछली पालन, मत्स्य पालन, मछली और एक तरीके से मधुमक्खी पालन, मछली पालन मत्स्य पालन तो एक ही बात है, मधुमक्खी पालन और रेशम कीट, फेरोमोन्स वगैरह, मानक पोल, लास्ट वाली सांख्यिकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आया आपको? अब मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो अपन एक टाइप से चलते हैं, बीएससी थर्ड ईयर